ये कैसे पॉसिबल है कि 718 और 719 नंबर आ सकते हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। आप एक एक सेंटर से 720 नंबर पांच पांच छह छह लोगों के आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा लेगा, अगर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लेगा तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी और आगे तक पहुंच पाएगी। यस, बड़े लेवल के एग्जाम में लीक हो जाना, एनटीए को इस पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक, एनटीए के रिजल्ट में गड़बड़ी लग रही है क्योंकि कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आए हैं जिसको हमने दो बार वेरीफाई भी करा लिया है। ये कैसे पॉसिबल है कि 718 और 719 नंबर आ सकते हैं? जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, या तो 720 में 720 आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक सवाल गलत कराया और उसे छोड़ दिया है तो उसके 716 नंबर आएंगे, पर अगर उसने उस सवाल को गलत कर दिया है तो उसके 715 नंबर आएंगे। यानी कि 720 के बाद अगर कोई नंबर आ सकता है तो वो 716 है या फिर 715 है। 718 719 नहीं आ सकते, और ऐसे बच्चे हैं जिनके 718 719 नंबर आए हैं तो कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से एनटीए को वापस चेक करना चाहिए, और अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो वापस पूरी रीचेकिंग होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, भावी डॉक्टरों की बात है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए और रिजल्ट को रिवोक कर लेना चाहिए। अब क्या कर रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जज्जर में एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पे 176 बच्चों के 720 आ गए और 100 से लेकर के 150 मार्क्स तक ग्रे साइड कर दिया आपने, जहां पे इतने हाई कट ऑफ जा रहा है, एक एक नंबर पे हजार हजार बच्चे आ रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन पे भी आप 100 से लेकर 150 नंबर तक ग्रे मार्क्स ऐड कर दिए क्योंकि बच्चों ने कंप्लेन किया टाइम कम मिला और आपका पेपर में कुछ क्वेश्चंस गलत थे इस वजह से। जिनके 580 नंबर आ रहे थे ना उनके अचानक से 580 से वो 590 हो गए, 690 हो गए। जिनके 600 आ रहे थे उनके 702 हो गए। 120 नंबर 130 नंबर मार्क्स ग्रेस मार्क्स ऐड कर दिए किस हिसाब से पता नहीं। 718 719 मार्क्स दे रहे हो आप, रात में बैठ के संविधान लिखते हो क्या, नियम रात में ही बना लेते हो और बच्चे को जाने का हक नहीं है? एक्सप्लेन करिए अगर आपका कितना टाइम कम हुआ, कैसे कैलकुलेट किया इजी पेपर टॉप पेपर और कितने टाइम पे कितने ग्रेस दिया, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया, बिहार में चिटिंग हो रही है, ये नहीं चलेगा। और इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे और सच में करेंगे भाई, अगर जरूरत पड़ी तो गेट पे आके धरना भी देंगे। और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, किसी का नहीं, देखते हैं क्या होता है। मतलब मजाक बना के रख दिया है, बच्चे जो इतना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके डिप्रेशन में जा रहे हैं, 640 उनको सीट नहीं मिल रही है। हेलो बच्चों, मैं अभी आई हूँ खास करके एक बहुत सीरियस इशू पे बात करने के लिए। जो इस साल नीट एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चनेबल चीजें हुई, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम स्कैम हुआ है, मैम बहुत सारे लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं, बहुत सारे पेपर लीक के इश्यूज आ रहे हैं। मैं समझती हूँ उन सारे बच्चों की भावनाओं को जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, शायद एक साल दो साल बहुत मेहनत करते हैं, 630 640 650 इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अभी भी इतने इनसिक्योर है कि मैम और कितनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारे को मेडिकल सीट मिल जाए। और एज अ टीचर मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आई ऑल्सो हैव द राइट टू नो, स्टूडेंट्स हैव द राइट टू नो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक सेंटर से 720 नंबर पांच पांच छह छह लोगों के आ रहे हैं, या ग्रेस मार्क्स एक मार्क या दो मार्क नहीं बल्कि 100-100 मार्क्स 150-150 मार्क्स आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये बहुत सारी क्वेश्चनेबल चीजें हैं, पेपर लीक के इशू हैं। जो बच्चा मेहनत करता है वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेगा और मैं उसके साथ बिल्कुल मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। और मैं आपके साथ हूँ बेटा, एंड वी रियली वांट टू नो फ्रॉम एनटीए कि आप प्लीज इस चीज का क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए। 718 नंबर 719 नंबर बच्चों के आ रहे हैं, कैसा पॉसिबल है? और लास्ट मोमेंट पे आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बच्चों का पूरा अधिकार बनता है ये जानने का और हमारा पूरा अधिकार बनता है ये जानने का। सारे मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों से मैंने बात भी करी है और मैं देख भी रहा हूँ कि कल हमने जब ये स्टार्ट किया था उसके बाद ये सब बहुत सारे लोगों ने इसको टेकअप किया। और ये उनको बेटा मैं ये मानता हूँ कि ये जो YouTube है जिस पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ये इतनी सारी वीडियोस इस टॉपिक पर जो बन रही हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये चीजें एक बार अवेयरनेस में आएंगी और ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा लेगा, अगर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लेगा तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी और आगे तक पहुंच पाएगी। यस यस हाँ यस, तो बहुत सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे बच्चे लगातार हर जगह कमेंट कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखी जिन पर नीट वालों ने जाकर कमेंट किया हुआ है, तो हर जगह आप लोग कमेंट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बेटा ये अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इसको उठाता है तो आपकी बात और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। बाकी तो सब लोग, सारे टीचर्स, मैं इस बात को बहुत मतलब प्राउड से बोल सकता हूँ कि टीचर कम्युनिटी के सभी लोग इसको बोल रहे हैं, बता रहे हैं और जो जो चीजें उनके सामने है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो तीन बातें जो मतलब मेन है वो इशू ये है कि यार इतनी रैंक अचानक से नहीं बढ़ सकती थी, कुछ शायद हुआ है, मतलब इसमें डाउट है, कुछ शायद हुआ है। दूसरी चीज जो है बेटा, एक ही सेंटर पर इतने सारे बच्चे। तीसरी चीज, ग्रेस मार्क्स कैसे मिला, ये सारे इश्यूज हैं। क्लियर, ये सारे इश्यूज हैं। पेपर वाले दिन एक एग्जाम सेंटर में इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े लेवल के एग्जाम में लीक हो जाना, पेपर आधे घंटे पहले बाहर आ गया, वो पेपर मेरे हाथ में भी था 4:30 बजे, मैंने उस पेपर को इग्नोर किया कि यार ये सच में पेपर नहीं हो सकता। और जब 5:30 बजे पेपर आप लोग लेकर आए और मैच किया, वो बिल्कुल सेम पेपर निकला, वी अगेन इग्नोर्ड कि चलो एक सेंटर में हो गया होगा। बट आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम कितनी चीजों को नजरअंदाज करें, कितनी चीजों को इग्नोर करें, ये मुझे समझ नहीं आया। कल एक चीज आई, उस पर क्लैरिफिकेशन आई, आई काइंड ऑफ इग्नोर, चलो ठीक है, इट्स ओके। बट कल से अब तक चीजें जो हैं वो पाइल अप होती जा रही, बढ़ती जा रही है। आज मैं इसके लिए नहीं आई हूं कि हम लोग कुछ, मतलब
इतने बच्चों का ऑल इंडिया रैंक वन क्यों आया, ये क्यों आया। आज मैं सिर्फ इसके लिए आई हूँ कि जो बच्चा डिजर्विंग है कहीं वो एमबीबीएस की सीट से ना चूक जाए। जो बच्चा सच में चाहता है कि यार मैं, जिसने बहुत मेहनत की थी, आप इसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिनके 630 लाना मजाक नहीं है बेटा, पिछले साल की कट ऑफ इससे कितनी कम गई थी, मजाक नहीं है। आप लोग जिन्होंने इतनी मेहनत करके 630 640 नंबर लाए हैं, 650 तक नंबर लाए हैं, 645 तक नंबर लाए हैं, 640 तक नंबर लाए हैं, आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आज आप ऑल इंडिया कोटा में अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रहे हो, उसके लिए बेटा आई एम वटेड। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट डॉक्टर ना बनकर कोई और ही डॉक्टर बन जाए। आज से 10 साल बाद जब वो लोग डॉक्टर बन के निकलेंगे, हाउ कैन आई ट्रस्ट माई लाइफ ऑन देम, जिसकी मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो नीट एग्जाम क्रैक करके सच में एक फेयर मीन से गया है, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी अनफेयर प्रतीत होती हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा स्कीम है, ठीक है, और एनडीए को इस पे जवाब देना पड़ेगा, ठीक। और आज तक हमने कभी आपसे ये नहीं कहा था कि लाइक करो शेयर करो, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को दबाकर शेयर करो, ठीक है, क्योंकि एनडीए को एक्सपोज करना है, ठीक, और इस पे एनडीए को जवाब देना पड़ेगा, ठीक। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।